नारुतो, तुम बैठ क्यों नहीं जाते? नहीं मैं नहीं बैठूंगा, हमारे टीचर कैसे लेट हो सकते हैं? लेट आने पर यही मिलेगा उन्हें सरप्राइज। प्रैंक हो गया आपके साथ। ये ट्रिक काम कर गया, उन्हें पता ही नहीं चला। क्या निशाना था? नहीं, आसान ट्रिक नहीं समझ पाए। रुको जरा, सबर करो, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तुम लोगों को क्या बताऊं कि तुम लोग एक बेवकूफों का झुंड हो। तो तुम सब एक एक करके खुद को इंट्रोड्यूस करो, अपने लाइक्स डिसलाइक्स, अपनी हॉबीज, ऐसा ही कुछ बताओ अपने बारे में मुझे। पीले बालों वाले, तुम पहले बताओगे? क्यों नहीं। यकीन कीजिए, मेरा नाम है नारुतो उज़ुमाकी। मुझे इंस्टेंट नूडल्स बहुत पसंद है। नूडल्स को कंपेयर करना मेरी हॉबी है और मैं फ्यूचर में महान होकागे बनना चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। मैं हूँ सकुरा हारुनो। जो मुझे पसंद है, मेरे फ्यूचर का ड्रीम है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तुम्हें किससे नफरत है? नारुतो। म्यूजिक। अब तुम बताओ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरा नाम है सास्के उचिहा। मुझे कई चीजों से नफरत है। मैं सपना नहीं देखता। मैं किसी को बर्बाद करके अपना कबीला दोबारा बसाना चाहता हूँ। उम्मीद है उसका इशारा मेरी तरफ ना हो। गुड, तुम सबकी अपनी एक खासियत है और एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो। अरे वाह, कल किस मिशन पर जाने वाले हैं सर? एक सर्वाइवल एक्सरसाइज। क्या सर्वाइवल एक्सरसाइज? मेरे अब तक के रिकॉर्ड में 27 बच्चों में से वही बच्चे गेनिन बन पाए हैं और तुम्हारे फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। हमने कितनी मेहनत की है, ग्रेजुएट होने के लिए इतना खून पसीना बहाया, उसका फायदा क्या? हाँ, कल सुबह 5 बजे ट्रेनिंग स्पॉट पे पहुँच जाना। मुझे ये पास करना ही होगा ताकि सब मुझे रिस्पेक्ट दे। मैं फेल नहीं होने वाला। One eternity later. Morning. Morning everyone. ट्रेनिंग के लिए तैयार हो? आप लेट हैं। वो एक काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया तो मुझे थोड़ा घूम के आना पड़ा। कोई सेंसेस बात की? खैर, शुरू करते हैं। इसमें मैंने दोपहर का अलार्म सेट कर दिया है। हमारा मिशन बहुत सिंपल है, तुम्हें मुझसे ये बेल्स छीननी है। दोपहर तक नहीं छीन पाए तो तुम्हें लंच नहीं मिलेगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा, इसीलिए इसे मुश्किल बनाने के लिए हमें नाश्ता करने से मना किया था। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा। देखिए, तुम कोई भी हथियार इस्तेमाल कर सकते हो, शुरिकेन भी। जो हर बात का मजाक बनाते हैं वो बहुत बड़े लूजर होते हैं। क्या गुंडा बनेगा रे तू? अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा। इतनी जल्दबाजी मत करो, मैंने अभी स्टार्ट नहीं कहा है। इसे कहते हैं असली जोनीन। और स्टार्ट। निंजा को पता होना चाहिए उसे कब हमला करना है और कब छुपना है। चलो कम से कम ये बात तो समझ गए, छुपे तो अच्छी जगह हैं। हाँ, आप और मैं शुरू करते हैं मुकाबला। शिनोबी बैटल टेक्निक्स पार्ट 1, ताइजुत्सु। हाँ, ताइजुत्सु, वो तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट है तो... अरे ये क्या है? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें सबक सिखाऊंगा। कभी भी अपने दुश्मन को अपने पीछे मत आने देना। ली विलेज सीक्रेट फिंगर जुत्सु, अ थाउजेंड इयर्स ऑफ डेथ।
चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। हाँ, मैं किस पेज पे था? मैं पानी से ही अटैक करूंगा अभी। देखो, जानते हो ना, अगर मुझसे बेल्स नहीं छीन पाए तो लंच नहीं मिलने वाला। समझ गया, ये सब आपने हमारी मुश्किल बढ़ाने के लिए किया था। मैं अपनी ताकत जमा करूंगा, यकीन करो इस टेस्ट को पास करके रहूंगा। मैं निंजा बन के ही रहूंगा, ये मेरा वादा है। आपने ओवर कॉन्फिडेंस में भटक गए ना। ये एक प्राचीन कला है, इससे इसने मिज़ुकी को हरा दिया था। तुम बात ऐसे करते हो जैसे तुम बेस्ट हो, पर तुम किसी काम के नहीं हो। ये क्या, इसने मुझे पीछे से पकड़ लिया। आप ही ने कहा था ना कि अपने दुश्मन को अपने पीछे मत आने देना। तुम्हारी उंगलियों वाली हरकत का जवाब मैं अपने मुक्के से दूंगा। तुम और वो बेल्स दोनों मेरे कब्जे में। नारुतो ने खुद को पकड़ के ही पंच किया। ये तुम हो, तुम काकाशी सेंसेई ही हो ना। तुम जुत्सु करके मुझ में बदल गए हो। मैं नहीं, नहीं, इसे उसकी बदबू आ रही है। नहीं नहीं, तुम हो, तुमने हे जुत्सु को बंद करो, जुत्सु बंद करो यार। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। एक बेल। अरे उतारो मुझे, मुझे नीचे उतारो। अरे अपने जुत्सु का इस्तेमाल सावधानी से किया करो। एक निंजा को डिसेप्शन की समझ होनी चाहिए। जो को सुनना और समझना दोनों अलग बातें हैं। यही सही मौका है, क्योंकि उसका ध्यान भटक गया है। उसने शुरी कैन टेक्निक से हमला किया। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया सास के?